दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में, जहाँ पर इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट से, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जो दोस्तों इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर में इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में बताइए कि आखिर इंडियन आर्मी की भर्ती कब तक में होने जा रही है, कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब तक में आवेदन कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाएगी। तो फाइनली आप सभी को बता दें, इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए सीधी भर्तियां जारी हुई हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी इंडियन आर्मी के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि आपके राज्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एज लिमिट के हिसाब से आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दे पाएँ, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों यहाँ पर बात करें सबसे पहले ऑर्डिनेशन नेम के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से भर्ती होने जा रही है। जहाँ पर बात करें पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर फायरमैन, ट्रेड्समैन एवं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लगभग 3068 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल, यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए आपको 3 वर्ष की एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, साथ में एग्ज़ाम होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ में मेडिकल एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं या फिर 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करें जहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है लगभग 21,800 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ की। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहां पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 16 सितंबर 2022, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 अक्टूबर 2022। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 16 सितंबर 2022 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका भी सपना है 2022 में इंडियन आर्मी के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप लोग इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर लें, जिसका अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको
सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।